स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर सिमेट्री का है, चैप्टर नंबर 17, सिमेट्री एंड पैटर्न। अब इसका हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे आज की क्लास में, और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, और उसका आगे क्या आएगा उसको हमें सीक्वेंस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्लैंटिंग में है, फिर दूसरा भी स्लैंटिंग के साथ गया है, फिर नीचे एक स्लैंटिंग लाइन आई है, ठीक है। तो अब फिर ये इधर की स्लैंटिंग लाइन ऐसे आएगी, तो हमें भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट कौन सा है, डी। डी को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल है, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, अब क्या है, सर्कल। ठीक है, हम थोड़ा सा और इस पैटर्न को आगे बढ़ा देते हैं। 2 ट्रायंगल है, 1 सर्कल है, ठीक है, ऐसे ही आगे की ओर जाएगा ये पैटर्न। तो हमने ये पैटर्न आगे बढ़ाया, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आगे सर्कल है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पैटर्न आगे बढ़ाया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा यही सर्कल ही रहेगा। ठीक है, अब नंबर 3, 2, 4, 6, 8, यानी 2 के मल्टीपल में हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी आगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, 9 11 10, करेक्ट ऑप्शन 10 है हमारा। अब देखिए, सर्कल है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिर आगे ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो ये आगे इसमें यहाँ पर डिवाइड होगा, तो एक सर्कल बनाएंगे। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर इसको 6 में हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, तो कहाँ पे हमारा पैटर्न मैच हो रहा है, सी ऑप्शन पर। ठीक है, अब आता है नंबर 5, 1 3 5 7। अब इसमें 1 में 3 में हम देखेंगे कितना ऐड हुआ, 2 हुआ ना, 1 2 3, 2 फिंगर आगे गया हुआ है, तो 3 में ऐसे आगे 4 5 5 6 7 7 8 9, आगे 9 आएगा, 9, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 9 है। ए बी सी, फिर आगे सी आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सी। ठीक है, आगे आता है 7 11। अब इन दोनों में देखना हमने कि कितना ऐड हुआ है, 8 9 10 11, 4 फिंगर काउंट हुई, 8 9 10 11, 4। अब 11 के आगे देखते हैं, 12 13 14 15 15 है, ठीक है, आगे 15 के आगे 16 17 18 19 19 आ गया। अब हम आगे और काउंट करते हैं, 20 21 22 23 23 आ गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा 23 हो गया। अब नंबर 8, SSD, 2 टाइम S, 1 टाइम D, SSD, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ए है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से अपने बुक में कंप्लीट करना है, और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। ओके, थैंक यू।